हेलो गर्ल्स, टुडे वी रीड पोएम चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नेटर। चाइल्डहुड जो है उसका मतलब आपको जानते ही हो, चाइल्डहुड होता है बचपन। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द डे आई सीज टू बी 11। अब मार्कस नेटर्स अपने आप से कहते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, क्या मैं जब मेरा 11 साल का कंप्लीट हो गया था, 12वें साल में जब मैं प्रवेश कर रहा था, क्या तब मेरा बचपन चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी एंड देयर फॉर कुड नॉट बी वॉज दैट डे। Was the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? क्या जब मुझे मालूम पड़ा कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, could not be found in geography, और वो सिर्फ कल्पना मात्र है, भूगोल की बुक में कहीं भी उसका नक्शा हमें नहीं मिलेगा, hell और heaven का, hell यानी नरक, heaven यानी स्वर्ग, क्या तभी मेरा बचपन चला गया था जब मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। एंड देयर फॉर कुड नॉट बी वॉज दैट डे, है ना, और शायद मुझे ये मालूम था कि स्वर्ग और नरक जैसे स्थान कभी हो ही नहीं सकते हैं, तो क्या तभी मेरा चाइल्डहुड चला गया। कभी बार बार ये बोल रहा है कि मेरा चाइल्डहुड कब गया, मुझे मालूम नहीं पड़ा। When did my childhood go? Second देखेंगे अभी हम लोग। देखो first जो है उसमें सीज यानी समाप्त होना, realize यानी विश्वास होना, ठीक है ना। फिर second जो है स्टेंजा उसमें देखो, When did my childhood go? Was at the time I realized that adults were not all they seemed to be. क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे ये समझ में आया कि हमारे जो बड़े लोग हैं, adults हैं जो हमारे बड़े लोग हैं, वो वास्तव में ऑल दे सीम टू बी, है ना, दैट द अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि हमारे जो बड़े लोग हैं वो वैसे नहीं होते हैं जैसे कि हमें दिखाई देते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीस्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वो प्रेम की बातें करते हैं, उपदेश देते हैं, पर वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। क्या जब मुझे ये समझ में आ गया था कि हमारे बड़े जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं हैं, क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया। फिर थर्ड पैराग्राफ में देखो, थर्ड स्टेंजा में देखो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन। फिर कवि बोल रहा है कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया था, क्या वो उस दिन गया था जब मुझे ये समझ में आया कि मेरा मन जो है मेरा अपना है, माय माइंड यानी मेरा मन जो है वो मेरा अपना है, टू यूज़ विच एवर वे आई चूज, और मैं अपने मन में मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं कर सकता हूँ, प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और शायद ये मेरा मन ही है जो ऐसे विचार उत्पन्न कर रहा है, ये किसी और का नहीं बल्कि मेरा अपना मन है, बट माई ओन एंड माइंड अलोन, केवल मेरा खुद का मेरा अपना मन है। क्या ये जब मुझे मालूम पड़ गया था कि मेरा भी मन है, उसमें भी विचार चलते हैं और मैं वही काम करता हूँ जो मेरा मन करता है, क्या जब मुझे इस बात का अनुभव हो गया था तभी मेरा बचपन चला गया था, कि मुझे ये बात समझ में आई और मेरा बचपन चला गया, क्या ये वही दिन था जब बचपन चला गया। अब लास्ट स्टेंज आप देखो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, मेरा बचपन कहाँ चला गया, वो शायद एक गुमनामी वाले स्थान पर चला गया है, जिसे वैसे स्थान पर चला गया जिसे फॉरगॉटन ने भुला दिया गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट यानी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है शिशु के रूप में, उसे हम इन्फेंट कहते हैं। दैट्स हिडन इन इन्फेंट्स फेस, शायद वो जो है वो एक इन्फेंट के फेस, शिशु के फेस में जो है वो फेस के रूप में मेरा बचपन था, और वो शायद अब क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ तब बचपन के उस शिशु वाले चेहरे के साथ साथ मेरा बचपन जो है वो अब बदल गया है और वो बचपन चला गया है। दैट्स ऑल आई नो, बस मैं यही जानता हूँ कि मेरा बचपन जो है वो मेरे छुटपन के साथ चला गया है।
मतलब ये कि कवि ये कहना चाहता है कि आखिर बचपन कब गया मेरा, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। क्या मुझे स्वर्ग और नरक का ध्यान पड़ा कि ये वास्तव में होते ही नहीं है, तब मेरा बचपन चला गया। सेकंड स्टेंजा में देखो, क्या जब मुझे मालूम पड़ा कि हमारे बड़े जो है वास्तव में वैसे नहीं है जैसे वो बातें करते हैं। क्या तीसरे स्टेंजा में देखो, जब कवि कह रहा है जब मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरा मन केवल मेरा अपना है जिसके अनुसार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्या वो ये वो दिन था जब मुझे मेरा बचपन चला गया। लेकिन मेरा बचपन कहाँ गया, लास्ट स्टेज हम देखते हैं कवि कहता है कि मेरा बचपन जो है वो कहाँ गया। इट वेंट टू समवन फॉरगॉटन प्लेस, शायद वो कहीं भूले हुए स्थान पे चला गया है, वो एक छुटपन का जो मेरा फेस था इन्फेंट का उसमें चला गया है। दैट्स ऑल आई नो, बस मैं यही जानता हूँ। तो ये इस तरह से कवि जो है अपने बचपन के बारे में बता रहा है। कवि ये कहना चाहता है कि हम जब छोटे होते हैं तो हमारे मासूम चेहरे में एक भोलापन होता है, और उस भोलापन जो है वही बचपन होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो भोलापन हटता जाता है, मिट जाता है, हम समझदार होते जाते हैं, और तभी हमारा बचपन जो है चला जाता है।